फूलों का तारों का सबका कहना है 1000। लेकिन एक सेकंड। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow. वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो अभी जो है सुबह के बज रहे हैं 5 o'clock हो चुके हैं करेक्ट, और मैं रेडी हो चुका हूँ। और आज मैंने रेड टी शर्ट और ब्लैक लोअर पहने क्योंकि आज हमारा ड्रेस कोड है ये। और यहाँ पर आप लैपटॉप देख सकते हो, एडिटिंग कर रहा था लेकिन नहीं हो पाई थी पूरी, तो पार्क से आएंगे फिर एडिटिंग करेंगे अगर टाइम मिला तो, क्योंकि पार्क से आने के बाद सीधे नहाऊंगा फिर ट्यूशन टाइम हो जाएंगे, तो देखूंगा जैसे होगा एडिटिंग तो कंप्लीट करूंगा। तो अभी बस थोड़ी देर में निकलूंगा पार्क से, मतलब स्टेडियम के लिए। तो चलो फिर आपसे तभी मिलते हैं। अभी जो है हम स्टेडियम से आए और आते हैं, यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई है, जब तक स्टेडियम है तब तक बारिश नहीं थी और घर पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई है। देखो बहुत तेज़ बारिश आ रही है। और तेज़ हो रही है लो। और मैं वहाँ पर एडिटिंग कर रहा हूँ बैठ के अपनी। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो तुम्हारा भाई अभी सुबह के देखो 6:30 हो रहे हैं और रेडी हो चुका है परफेक्ट एकदम। और न्यू ब्लॉग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो स्टेडियम वगैरह गया था वहाँ पर तो कुछ ब्लॉग बनाया नहीं था और 3-4 दिन से तबीयत भी ख़राब थी, तो बिल्कुल भी ब्लॉग शूट नहीं करा था। तो हाँ, आज 12th of August यानी कि आज रक्षाबंधन, तो आज राखी है और हम लोग जाने वाले नानी के घर, इसलिए इतनी जल्दी सुबह सुबह तैयार हो गए हैं और हम जा रहे हैं आगरा। तो फटाफट से रेडी हो, मैं तो रेडी हो गया, मम्मा भी रेडी हो गए, पापा जी भी रेडी हो गए, लक्ष्य भी नहाने गया हुआ है तो आएगा, वो भी रेडी होगा, फिर हम निकल जाएंगे नानी घर के लिए बुआ वगैरह सबसे राखी बनवा के। तो देखते हैं अगर बुआ जी वगैरह उठ गई तो अभी राखी बनवा लेंगे, नहीं तो अगर शाम तक हम वापस आ गए तो शाम को बनवा लेंगे। तो देखते हैं जैसा सीन होगा आपको बताएंगे, तो थोड़ी देर में मिलते चलो आपसे। तो भाई यहाँ पर बुआ जी जो है पापा जी को राखी बांध रही है। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहन उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का बुआ ने तो राखी बांध दी है, तो अभी जो मैं जा रहा हूँ मोना दीदी को उठाने, अगर उठ जाती है तो उससे भी राखी बनवा लेते हैं, नहीं तो फिर रात को बनवाएंगे। तो चलो चलते हैं और उसको उठा के देखते हैं, ट्राई मारते हैं, उठने वाले तो है नहीं मेरे को पता है, तो चलो ट्राई करते हैं। माँ जी, तो मोना दीदी जो है हमारी दादी के पास होती है नीचे, तो चलो गेट खुलवाते हैं फिर आपसे मिलते हैं। मोना को उठा दो, राखी बांध देगी, पापा जी कह रहे हैं। मोना दीदी, मोना बोलो खड़ी हो, राखी का टाइम होना जाएंगे। दीदी को तो उठा दिया, आप देखते हैं राखी बांधने, मतलब अभी तो उठी है, टाइम लगाती है नहीं लगाती, तो अभी हम ऊपर चलते हैं और बढ़िया नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर निकलते हैं आगरा के लिए। फाइनली आ चुकी है दीदी, रेडी होके नहीं आई है पर आ गई है। जब से मेरी आँखों से हो गई तू दूर, तब से सारे जीवन के आँखों में नींद ना, दिल में चैना है 1000। अभी जो है ये रहा बैग हमारा, वैसे तो रुकने का प्लान नहीं है वहाँ पर, अगर देर हो जाती है बाई चांस रुकने का प्रोग्राम बन जाता है तो उसके लिए बैकअप प्लान जो कहते हैं वो लेके जा रहे हैं, तो वो ये गाड़ी इसमें रखता हूँ मैं फटाफट से। इसको पकड़ के इसमें ऐसे रख देते हैं, और ये थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान है वो मैं देखो आप, तो ये रख दिया हमें यहाँ पर बैग, इसको करते हैं बंद। लेकिन अभी भी हम फुल्ली रेडी नहीं है, तो चलते हैं ऊपर और 2-4 और काम करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई अभी जो है हम निकल चुके हैं आगरा के लिए, तो अभी हम ये फ्लाईओवर पर चढ़े हुए हैं, फिर ये फ्लाईओवर सीधा हमको सोना नीचे उतारेगा, तो अभी आप देखो कितना बढ़िया फ्लाईओवर बन चुका है ये नया, और व्यू भी इतना बढ़िया आ रहा है और सन भी निकल चुका है पूरा, यहाँ पर देखो आप। लक्ष्य और मम्मा पीछे बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये पापा जी ड्राइविंग करते हुए चलाते लक्ष्य गाने। तो गाइस ये BSF की जो है
यहाँ पर तिरंगा रैली निकल रही है, आप देख सकते हो साइकिल पर, और पीछे कार वगैरह भी थी, और ये जिप्सी है यहाँ पर। यहाँ पर जो है हम केएमपी पे चढ़ चुके हैं, ये जो है नया रूट बनाया, मतलब जो हमको ज़्यादा टाइम लगता था पार करने में, अब हमको कम टाइम लगता है। जो पलवल मथुरा वगैरह जाने में हमको टाइम लगता था, तो ये भी हमारा दूसरा टूल है। एक टूल पीछे हम कटवा चुके हैं अपना, और यहाँ पर शायद नहीं कट रहा है टूल, तो फास्ट टैग है ना। तो यहाँ पर हमारा टूल कट चुका है, और आप यहाँ पर व्यू देख सकते हो कितना तगड़ा पहाड़ वगैरह है। कहाँ पर उतरेगा भाजी के एम पी? सीधा ये उतरेगा बेटा मथुरा हाईवे पे, सीधा ये मथुरा हाईवे उतरेगा। तो हमारा बहुत टाइम सेव हो गया इसकी वजह से। अरे इसके मैसेज खत्म। अभी यहाँ पर रुके लोकेशन पे लक्ष्य की रील बनाने के लिए, इसने गाड़ी रुकवाई है। ये देखो हम आगरा पहुंच चुके हैं, और ये यहाँ का फेमस गुरुद्वारा है, मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग्स में भी दिखा रखा है जब मैं आगरा आता हूँ। ये देखो गाइस, जितना ये बाहर से देखने में सुंदर लग रहा है, उतना अंदर से भी बहुत सुंदर है गुरुद्वारा। और यहाँ पर अभी काम भी चल रहा है, और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। यहाँ पर धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही। हमने जैसे पलवल क्रॉस करा उसके बाद से हमको धूप नहीं मिली बिल्कुल भी रास्ते में, और इतना ठंडा मौसम हुआ पड़ा है, बढ़िया हवा चल रही है बाहर भी। और ये देखो हर जगह यहाँ पर अब 15 अगस्त आने वाला है, तो तिरंगे मिल रहे हैं दुकानों पर। ये देखो बस थोड़ी देर में नानी घर पहुँच जाएंगे, तो फिर आपको नानी का घर दिखाएंगे। तो चलो पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हम नानी घर आ चुके हैं, और मामू वाले जो कितना सारा नाश्ता लेके आ गए हैं। मेरे पकवान यहाँ पर मेरे फेवरेट, और ये बड़े हैं लक्ष्मी बाबूजी के फेवरेट। तो भाई अभी तो मौसम इतना बढ़िया हो रहा था, लेकिन अब पता नहीं धूप आ गई है, और अभी मैं मामू के साथ कहीं पर जा रहा हूँ वैसे ही कुछ सामान वगैरह लेने। रेड लाइट पे रुके हुए हम। ओ गाइस चल पड़ी, चल पड़ी है गाड़ी। मिठाई लेने के आगे पीछे सारा कार्यक्रम खत्म हो गया, राखी वाखी का। तूने बंधवा ली राखी? बंधवा ली लाइट वाली? अच्छा एक रह रही है। मेरी बहना है सारी उम्र हम संग रहनों का, तारों का सबका कहना है। यहाँ पर हमारी नानी को राखी बांधते हुए, अभी जो है हम लोग सब राखी वगैरह बांध के निकल चुके हैं वापस घर के लिए। तो अभी 3:55 हो रहे हैं, और कम से कम 6 या 6:30 तक घर पहुंच जाएंगे, 6:30 तक घर पहुंच जाएंगे। तो बस हम निकले हैं थोड़ी देर में, और बाकी जो जो बीच में होएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो फिर आपसे बाद में मिलते हैं। तो भाई फाइनली हम घर पर पहुँच चुके हैं, और अभी अभी बस एंट्री करी घर में, 8 बज रहे। वैसे हम गुड़गांव में कम से कम आधा घंटा पहले एंटर कर गए थे, वो थोड़ा घर तक आते आते आधा घंटा लग गया। तो 8 बज चुके हैं अभी, और इसने देखो आधी जो है टीवी चला लिया है सामने, क्योंकि सुबह से टीवी नहीं देखा इसने। और मेरे को भी कोल्ड हो रखा है, तो आवाज़ थोड़ी ऐसी लग रही है आपको, टीका पूरा ही फैल गया है माथे का। ये देखो कहाँ तक जा रहा है, पूरे हाथ तक जा रहा है।
तो इसको भी वॉश वगैरह करते हैं और टिंकल दीदी से भी राखी बनवाते हैं। टिंकल दीदी से राखी नहीं बनवाई थी सुबह, तो चलते हैं इतना वो आती है, हम जाते हैं। और हाँ, आज है चिराग का बर्थडे, तो चिराग का बर्थडे सेलिब्रेट भी होएगा, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलो जैसे होगा फिर सीन आपको आगे का बताता जाऊँगा। भाई अभी जो है मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया है, तो थोड़ा फ्रेश हो गए हैं। तो यहाँ पर नीचे ना लाइट की कमी हो जाती है, लाइटिंग की ना, एक मिनट। हाँ, तो फ्रेश वगैरह हो गया हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ टिंकल दीदी को बुलाने। देखते हैं टिंकल दीदी वहीं राखी बांध गई है, घर पे आके राखी बांधती हैं। तो चलो चलते हैं टिंकल दीदी को बुला के आते हैं। अभी टिंकल दीदी को बोल के आ गया हूँ, टिंकल दीदी थोड़ी देर में आती होंगी राखी बांधने के लिए। तब तक हम चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर पर और आपको दिखाते हैं कि चिराग के बर्थडे की डेकोरेशन वगैरह कैसे हो रही है। तो चलो चलते हैं फटाफट से। लो चिराग तो हमारे फ्लोर पर आया हुआ है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मेरे हैप्पी बर्थडे बोल दे तीन बारी, जवाब तो दे दे। चलो ऊपर चल रहे। ओए ओए, तीन गुब्बारे पूरे काट लिया केक, बुलाया नहीं यार। है यार, केक भी काट लिया। आ मेरे पास आ, कह जो कहना है, 1000